अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें फसी दुबई दुबई और दबाएं घंटे के बटन ताकि सबसे पहले आप हमारे वीडियोस को देख सकें। हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम। दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद सुलेमान है और मैं फसी दुबई दुबई के लिए वीडियोस बनाता रहता हूँ। तो आए मैं आपको ये खूबसूरत सा नज़ारा चेक कराता हूँ कि जहाँ पे मैं खड़ा हूँ। और ये नहीं नज़र आ रहा, कोई मसला नहीं, हम आपको पीछे ही दिखा देते हैं, लेकिन मैं नहीं नज़र आऊँगा, लेकिन पीछे का नज़ारा आपको नज़र आ जाएगा। ठीक है, देखिए 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 देखिए, ये है जी बिज़नेस बे का एरिया। और यकीन करेंगे आप, बिज़नेस बे का सारा एरिया ऑफिस से भरा हुआ है। मिसाल के तौर पे अगर आपको काम चाहिए, अमेजिंग यार, इस बिल्डिंग को देखें, ये वाली बिल्डिंग को, बड़ी बिल्डिंग, ये बिल्डिंग 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 बिल्डिंग, आपकी सीरीज ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन यहाँ पे बिल्डिंग्स नहीं ख़त्म होगी। आई प्रोमिस यू, अगर आप 100 कॉपीज़ निकालें, 500 कॉपीज़ निकालें, आपकी कॉपीज़ ख़त्म हो जाएंगी, ऑफिसेज ख़त्म नहीं होंगे। सो गाइस, क्या कह रहे हो, पाकिस्तान, इंडिया, वर्ल्ड वाइड, कहाँ पे बैठे हो, जहाँ भी बैठे हो, क्या कह रहे हो, आओ यार दुबई आओ। ठीक है, गपशप भी मारेंगे साथ में, जॉब भी आपको मिले, दुआ करेंगे, अच्छे तरीके से काम करो, जॉब ज़रूर मिल जाएगी। तो दोस्तों, बात हो रही थी सेकेंड इंटरव्यू वेब डेवलपमेंट का, ख़त्म हो चुका था सीन। मुझे समझ आ चुकी थी कि मैं इतना काबिल नहीं हूँ जितना मैं दिखाने की शो कर रहा हूँ, और हमारे पाकिस्तानी भी बहुत समझते हैं अपने आप को टैलेंटेड, लेकिन इतने होते नहीं हैं। ठीक है, तो एट द एंड खैर क्या हुआ कि मुझे समझ आ गई कि यार, एक फील्ड में टारगेट करना कोई समझदारी नहीं है। ठीक है, आपको मुख्तलिफ फील्ड में जो है वो टारगेट करना चाहिए। तो आप जितना ज़्यादा फील्ड में टारगेट करते हैं, उतनी ज़्यादा आपके चांसेस होते हैं कि आपको आसानी से जॉब मिल सके। बाय द वे, तो क्या सीन था, सीन ये था कि उसके बाद मैंने मुख्तलिफ किस्म की सीवी बनाई। ठीक है, मर्चेंडाइजर की पोस्ट पे सीवी बनाई, क्योंकि मैंने देख लिया कि यार सुपर मार्केट इतनी ज़्यादा यहाँ पे है, तो सुपर मार्केट के अंदर जो है ना वो कहीं ना कहीं जॉब मिल सकती है। तो मैंने मर्चेंडाइजर की सीवी बनाई। ठीक है, अब मर्चेंडाइजर की सीवी बनाई और मैंने सुपर मार्केट्स में जाना शुरू कर दिया, और जा रहा हूँ, पोस्ट कर रहा हूँ, दे रहा हूँ। ठीक है, और मुख्तलिफ उसमें से जो है वो ये सारा का सारा आपको बताया था, सतवा के एरिया जो है, खास तौर पर सतवा के एरिया में मैंने, मतलब सतवा के बाहर निकले, शेख जायद रोड है, उस पर मैंने बहुत ज़्यादा सीरीज दी है। ठीक है, तो खैर मुख्तसर ये कि मर्चेंडाइजर की पोस्ट के लिए, और मैं आपको बताता हूँ कि मर्चेंडाइजर क्या होता है। मर्चेंडाइजर का बेसिकली काम क्या होता है कि ये जितने भी अंदर वो चलाई जाती है ना, वो देखें आप पीछे हिल रहा है। ठीक है, ये जो मूवीज़ के अंदर चलाई जाती है ना आर्टिफिशियल हवा, यहाँ पे नेचुरल हवा आ रही है। तो इसलिए मैं जो है वो ऑफिस से बाहर आया, ये हमारे ऑफिस की बिल्डिंग है, ये आपको जो बड़ी नज़र आ रही है। ठीक है, ये हमारे ऑफिस की बिल्डिंग है, और जो है वो मैं थोड़ा नीचे आया हुआ था। ठीक है, मैंने कहा चलो यार बाहर का माहौल चेक करते हैं और दोस्तों के लिए वीडियोज़ भी बनाते हैं। तो मर्चेंडाइजर के लिए मुझे जो है वो मिल गई, कुछ पता नहीं था मर्चेंडाइजर क्या होता है, मज़े की बात आपको बताता हूँ। बहुत अच्छा इंटरव्यू था। तो वही रटे रटा क्वेश्चन, व्हाट इज़ योर, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, योर स्ट्रेंथ, योर वीकनेसेस, योर और क्या होता है, आपको भी पता चल गया होगा, व्हाट डू यू नो अबाउट आवर कंपनी। तो ये सारी चीज़ें मुझे जब पता चली, तो ये तो मैंने घोल के पिया हुआ था ना, ये तो मैं ऐसी इंग्लिश बोलता था कि गोरे भी हैरान हो जाते थे कि यार ये इतनी अच्छी इंग्लिश बोल क्या लेता है। लेकिन अगर इससे हट के कोई उन्होंने सवाल पूछ लिया, तो मैं हैरान हो जाता था कि अब क्या करूं। लेकिन बाय द वे, उस फील्ड से रिलेटेड मुझे जो था वो कुछ इंटरनेट से सर्च किया। अच्छा, आप लोगों से एक बात मैं शेयर करूंगा, जब भी आप देखते हो, ठीक है, क्या देखते हो आप, देखते हो, अच्छा चले मेरी अभी शक्ल तो देख ही चुके हो यार, कोई नई चीज़ देखो। तो जब भी आप देखते हो कि जो है ना वो आपको क्या किया जाए, हाँ, कि जो भी जॉब है, ठीक है, उसकी, अच्छा मुझे रिज़ल्ट कैसे मिला मैं आपको बताता हूँ। जो भी जॉब आती थी उसकी जो कुछ की स्किल्स होती थी ना, ठीक है, की स्किल्स मतलब कि उसमें जो चाहिए होता था उन्हें, मतलब ये भाई हमारी कम्युनिकेशन स्किल चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। तो मैं क्या करता था कि उनको स्किल्स को ना
उन स्किल्स को मैं मतलब कॉपी करता था और उसको मुख्तलिफ अंदाज से ना पेस्ट कर देता था। आप कभी जाएँ ना लिंक्डइन वेबसाइट पे, तो लिंक्डइन पे आप देखेंगे कि क्या होता है कि बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो मतलब आप एक फील्ड देखेंगे तो उस फील्ड से रिलेटेड आपको जो है वो काफ़ी काम नज़र आ जाएगा। तो खैर मुख्तसर ये कि मुझे जो है वो फील्ड से रिलेटेड मतलब नज़र आया था, तो मैं वो क्या करता था उनको पेस्ट कर देता था। तो खैर मर्चेंडाइज़र की पोस्ट के लिए उन्होंने मुझे बुलाया, इंटरव्यू लिया, फ़र्स्ट इंटरव्यू मैंने क्लियर किया। फ़र्स्ट इंटरव्यू तो ज़्यादातर लोग क्लियर कर लेते हैं, अब सेकंड इंटरव्यू की बारी थी। सेकंड इंटरव्यू में क्या होता है, ये देखें जी मेरे सामने बुर्ज खलीफा खड़ी है, ठीक है, दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग, यार क्या कह रहे हो, आओ यहाँ पे, आओ दुबई में आओ, इसको लाइव देखो, ठीक है, कितनी मज़े की है। 144th फ्लोर पे आप देखते हो, यकीन करो आप दुनिया में सबसे ऊँचे खड़े होते हो, ठीक है। वो कहते हैं ना मेरे से बड़ा दुनिया में कोई नहीं है, ठीक है, तो मतलब मैं सबसे पावरफुल इंसान होना चाहता है ना, हर इंसान की यही अंदर की विश होती है। तो ये देखे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर मीन ये बुर्ज खलीफा है, ठीक है, तो ये सारा रेजिडेंस एरिया। अच्छा तो मैं आपको क्या कह रहा था, मुझे भी देख लो, मर्चेंडाइज़र की सेकंड इंटरव्यू के लिए मैंने मुझे बुलाया गया, और उसके बाद जो था वो क्या हुआ कि सिलेक्शन हुई। अच्छा ये दोस्तों जो है ना एरिया, ये बिजनेस बेग एरिया, ठीक है, ये देखें बिल्डिंगें बन रही हैं, कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, यार देखो कितनी ज़्यादा जॉब्स, लोग कहते हैं यहाँ पे जॉब्स नहीं, ये देखो पूरी बिल्डिंग बन रही है, ठीक है, ये देखो ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो रहा है, ठीक है, उसके अलावा बन रहे हैं। मुझे ये बताओ अगर दुबई में काम ना होता, लोग कहते हैं काम नहीं है, अरे दुबई में काम नहीं होता, ये आपको मजदूर नहीं नज़र आ रही, यार ये देखो कितने ज़्यादा हमारे पाकिस्तानी, इंडियन और बांग्लादेशी और श्रीलंकन भाई जो है वो यहाँ पे काम लगे हुए हैं, ठीक है, ऑफिसेज आपको नज़र आ रहे हैं हर जगह ना, तो बहुत काम है भाई, बिल्कुल डीमोटिवेट नहीं होना, लोगों की बातों पे नहीं जाना, ठीक है, लोग तो कुछ ना कुछ बोलते ही रहते हैं, लोग बातें नहीं करेंगे तो क्या करेंगे यार, सिंपल सी बात है। तो अच्छा मेरी मर्चेंडाइज़र के लिए फर्स्ट इंटरव्यू क्लियर हुआ, सेकंड इंटरव्यू में उन्होंने पूछा कि जी आपको क्या क्या करना आता है, तो मुझे जो रटी रटाई बातें थी मैंने नेट से देखी थी, लिंक्डइन पे जाके देखी थी, एक मर्चेंडाइज़र की पोस्ट देखो और उसको देखो कि अच्छा मैं क्या करता था, सीनियर उस फील्ड में जो सीनियर बंदा है ना उसकी आपने प्रोफाइल को टच करना है और देखना है कि उसने ना पिछले 5 सालों में क्या कुछ किया। ये मैं इसकी एक वीडियो बनाऊंगा कि हाउ टू सर्च अ प्रोफेशनलिज्म इन लिंक्डइन, ठीक है, तो उसको फॉलो करेंगे तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ये देखो सारे ऑफिसेज ही ऑफिसेज हैं, ठीक है। अच्छा मैं आपको चलें दूसरी तरफ भी लेके जाता हूँ, ये देखो जी ये वाला, ये देखें ये सारे ऑफिसेज हैं, ये सारी बिल्डिंगें तैयार हो रही हैं। अबे फिर कहते हैं जॉब नहीं है यार, काम नहीं है। अच्छा तो क्या मैं बता रहा था, मैं आपको बता रहा था हाँ कि लिंक्डइन पे जाएं, वहाँ पे जाके आपको जो भी नज़र आता है, ठीक है, उसकी प्रोफाइल वो लिखें। दोस्तों वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है, फजूल बातें काफ़ी हो गई हैं, लेकिन चलें आपकी शायद यही काम आ जाए कोई, ठीक है, इसी से मोटिवेशन आपको मिल जाए। देखो मोटिवेशन ना एक वर्ड में चाहिए होती है, मैंने आपको बताया मुझे फसी भाई का एक जुमला याद है, यार आ जाओ कुछ ना कुछ कर लोगे तुम। तो वो देखें एक बिल्डिंग तैयार हो रही है, ठीक है, वो वाली, अब वो भी कितनी बड़ी बिल्डिंग होगी और वहाँ पे हमें कितनी जॉब्स मिलेंगी, कितने लोगों को जॉब्स मिलेंगी, ये देखें यहाँ पे काम हो शुरू हो रहा है, यहाँ पे कितनी जॉब्स मिल सकती हैं, और उसके अलावा वो बिल्डिंगें आपको नज़र आ रही हैं, ठीक है, मैं और करीब आ रहा हूँ तो ये आपको इलाका नज़र आ रहा है, ठीक है, ये देखें जी गाड़ियाँ जा रही हैं, ठीक है, और ये वाली बिल्डिंग तैयार हो रही है, वो दो बिल्डिंगें तैयार हो रही हैं, ये बिल्डिंग तैयार हो रही है, ये बिल्डिंग तैयार हो रही है, ये यहाँ पे देखें ये बिल्डिंग तैयार हो रही है, यार इतनी सी जगह में कितनी बिल्डिंगें तैयार हो रही हैं, कितने लोगों को जॉब मिलने वाली है, सोचो ज़रा, अभी आ जाओगे तो इन बिल्डिंगों में किसने रहना है, मैंने और आप लोगों ने, ठीक है, हमें अच्छे ऑफिसेज अपने बनाने हैं, अपने बिजनेस करना है, यहाँ पे ऑफिसेज बनाने हैं एंटी एक्सपो 2020 में, तो इसलिए दोस्तों जल्द जल्द आओ, गाइड करेंगे, जॉब से स्टार्ट करेंगे, बिजनेस पे एंड करेंगे, पैसा बनाएंगे, दुबई को एंजॉय करेंगे, ठीक है दोस्तों। वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, फंसी भाई मुझे डांटेंगे, लेकिन आई होप आपने कुछ लर्न किया होगा। बाय।